देश के लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज और भारत 24 चैनल की धमक देखने को मिली। देश प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में छोटे से लेकर बड़े नेता हो या फिर देश प्रदेश की जनता, हर किसी की जुबान पर फर्स्ट इंडिया न्यूज और भारत 24 का नाम रहा। शुरुआती रुझान हो या फिर हार जीत की घोषणा, हर अपडेट में सटीक जानकारी के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और भारत 24 नंबर वन रहा। इस खास मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऑफिस में जश्न मनाया गया और इस जश्न को मनाने के लिए खुद फर्स्ट इंडिया के सीएमडी डॉक्टर जगदीश चंद्र और सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर जगदीश चंद्र और पवन अरोड़ा ने पूरी टीम को बेहतर काम के लिए बधाई दी। नेशनल चैनल भारत 24 को भी चुनावी परिणाम की सटीक जानकारी देने के लिए सराहा गया। एक्चुअली भारत 24 एंड फर्स्ट इंडिया देयर सिस्टर कंसर्न, ठीक है ना। और सबसे खुशी की बात यह कि वहाँ उमर भाई के नेतृत्व में और सब सीनियर लोग हैं, अजय जी हैं, बाकी सब लोग हैं वहाँ पे, और यहाँ पवन जी के नेतृत्व में फर्स्ट इंडिया ने बहुत शानदार काम किया है और इसके लिए प्रतीक के तौर पे यहाँ जो संपादक हैं उनको मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और उमर भाई, ये गुलदस्ता आपके लिए जो मैं स्क्रीन पे आपको भेंट कर रहा हूँ, ये आपकी टीम के लिए है, मनोज भाई के लिए है, पूर्णिमा, आदिति, एवरीबडी हु इज देयर, अजय जी, एवरीबडी जो है। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस, दे मे लूज और विन, बट भारत 24 फर्स्ट इज ऑलवेज विनर्स जो है, क्योंकि खबर ही जीवन है। और आज सुबह मैंने देखा, हैरानी की बात है कि राजस्थान में नेशनल चैनल्स को छोड़ के लोग फर्स्ट इंडिया पे आए, फर्स्ट इंडिया को देखा। और भारत 24 की पॉपुलरिटी का आलम यह कि अभी देशी शो हुआ था तो 3,80,00,000 लोगों ने देशी शो को भारत 24 को देखा जो है। तो बस ये कि आप सबने बहुत शानदार काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और पवन जी के नेतृत्व में इनकी अगुवाई के अंदर जो टीम काम कर रही है, बहुत ही शानदार। यहाँ सभी लोग सुबह 4 बजे ऑफिस आ गए थे, जो अपने आप में अभूतपूर्व बात है। 5 बजे से हम लोग लाइव हो गए थे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, किसी भी कैंडिडेट के ऑफिस में, उसके घर में केवल और केवल फर्स्ट इंडिया देखा जा रहा था। और ये बात बिल्कुल सही है कि नेशनल चैनल्स को लोग देखते थे कि वो कितनी सीट का अनुमान बता रहे हैं और उसके बाद फिर लौट करके फर्स्ट इंडिया पे आ जाते थे कि फर्स्ट इंडिया सबसे आगे चल रहा है। तो मुझे सुबह से DCO मैसेज इस बारे में आए हैं कि फर्स्ट इंडिया सबसे आगे चल रहा है, तो मैं उसका पूरा श्रेय आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद में पूरी टीम को देना चाहता हूँ। और बहुत ही एक परिवार की तरह जुझारू रूप से पूरी टीम काम कर रही है और निश्चित तौर पर ये जो आप कहते हैं कि हमेशा फर्स्ट इंडिया आगे रहता है, वो आगे बना ही रहेगा।